आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एक रूम में कितनी टाइल्स लगेंगी और उस टाइल्स की क्या कॉस्ट होगी। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे ये क्वांटिटी और कैसे कॉस्ट निकालते हैं टाइलिंग की एक रूम के लिए। तो यहाँ पे कोई रूम का साइज़ ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये ले लेते हैं 12 फिट बाई 10 फिट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 12 फीट बाई 10 फीट का एक रूम है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। चलो इसको भी 10 फीट कर लेते हैं, इस रूम को भी। मान लो ये 10 बाई 10 का एक रूम है तो ये आपका आ जाएगा 100 स्क्वायर फीट। तो सबसे पहले आप अपने एरिया, मतलब मींस जिस रूम में टाइलिंग करवानी है, उस रूम का सबसे पहले डायमेंशन लोगे। यहाँ पे हमने 10 बाई 10 इसलिए ले लिया है क्योंकि अभी कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसमें इजी पड़ेगा और आपके इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ 10 बाई 10 के रूम के लिए आपका एरिया या 100 स्क्वायर फीट का, ये फीट में है। और जो जनरली जो टाइल आती है, जो लोग घर में रूम्स में लगवाते हैं, वो 600 mm बाई 600 mm की मैक्सिमम टाइल लोग लगवाते हैं रूम के लिए। तो ये आपकी टाइल है 2 फिट बाई 2 फिट। तो यहाँ पे टाइल का एरिया अगर निकालेंगे तो 2 फिट बाई 2 फिट आपको जाएगा आपका 4 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे एक आपके फ्लोर पे, ठीक है, पूरे फ्लोर पे कितनी टाइलिंग आ जाएगी। तो अब यहाँ 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप आ जाएगी क्वांटिटी टाइल्स की 25 टाइल्स आपके लगेंगे फ्लोर पे। अब स्कर्टिंग की अगर बात करें तो लोग स्कर्टिंग जो है, जो वॉल्स पे स्कर्टिंग चारों तरफ लगती है टाइल्स की, वो लोग लगवाते हैं मैक्सिमम 6 इंचेस तक लगवाते हैं। तो आपकी टाइल्स की स्कर्टिंग हो जाएगी 6 इंचेस की। अब जो ये टाइल है, इसी टाइल में से आपकी स्कर्टिंग कट जाएगी। ठीक है, इसी में स्कर्टिंग भी आपकी कट जाएगी, लेकिन ये इसमें जो इसकी हाइट होगी वो 6 इंचेस होगी। जैसे ये 2 फीट की आपकी टाइल है, यहाँ 6 इंचेस की इसकी स्कर्टिंग है। अब देख, ये देखना है कि एक पूरी टाइल में, ठीक है, आपकी कितनी स्कर्टिंग कट रही है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका एरिया जो होगा, ठीक है, टाइलिंग जो मेन टाइल है 2 बाई 2 की, 2 फिट बाई 2 फिट का जो एरिया है, और जो इसका एरिया है 2 फिट बाई 6 इंचेस, इसका एरिया होगा जो मेन टाइल का जो एरिया होगा। अब स्कर्टिंग के जो एरिया होगा टाइल का, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कि एक टाइल में कितनी स्कर्टिंग कटेगी, मतलब कितनी स्कर्टिंग इसमें बन जाएगी वॉल के लिए। तो ये इंचेस में है तो हम लोग इसको भी इंचेस में कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 फिट का मतलब 24 इंच, 1 फिट में 12 इंचेस होता है, वैसे ही ये भी 24 हो गया, 24 × 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 24 × 24 आपका आ जाएगा 576, और यहाँ पे 24 × 6 कितना हो जाएगा, 24 × 6 आपका आ जाएगा 144। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, 576 डिवाइडेड बाई 144, आपकी वैल्यू आएगी 4। मींस एक टाइल में, ठीक है, एक टाइलिंग में आपकी 4 स्कर्टिंग कट जाएगी, 4 स्कर्टिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे देखना है कि पूरे वॉल में कितनी स्कर्टिंग आएगी। तो जैसे ये साइज़ है, जो इसकी चौड़ाई है 2 फिट की है, और जो वॉल की चौड़ाई है 10 फिट की। अब इस अगर 10 फिट को, ठीक है, हम लोग डिवाइड करें 2 फिट से, तो आपका आ जाएगा 5, मतलब एक वॉल पे 5 लग रही है, तो चारों वॉल पे कितनी लगेगी, 5 × 4 = 20, 20, ठीक है। अब यहाँ पे 20 वैल्यू आ गई, मीन्स 20 स्कर्टिंग लगेगी, लेकिन यहाँ पे हमने निकाला है 4, मीन्स एक टाइल में से 4 स्कर्टिंग बन रही है। तो यहाँ पे कर देंगे 20 / 4, आपका आ जाएगा 5,
अब यहाँ पे जैसे हमने निकाल रखा था कि 25 टाइल्स फ्लोर पे लग जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे 5 टाइल्स जो हैं, यहाँ पे जो 5 टाइल है 20 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 5 टाइल जो है आपकी स्कर्टिंग में लग जाएगी। तो 25 ये प्लस 5 ये 29। और जैसे हम लोग एक रूम के लिए आप लगवा रहे हैं, पूरे घर में लगवाना है, तो कुछ टाइल्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि मान लो अगर टाइल्स लगाते समय कुछ कटिंग पिटिंग में कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसमें वो मैनेज हो जाता है। तो जैसे इसमें हम 2-3 टाइल एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, तो 29 है, चलो 3 टाइल एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, 29 प्लस 3 कर लेते हैं, आपका हो गया 32, ठीक है। अब जो आप टाइल की क्वांटिटी पूरी निकाल लिए हो, तो अब मार्केट में आप पता करना कि जो आप टाइल लगवा रहे हो उसका पर पीस का रेट क्या है, ठीक है। अब उस रेट को, जैसे हमने ये टाइलिंग लगवा ली है, ठीक है, 32 टाइलिंग आनी है, अब जो रेट होगी मान लो 50 रुपये की एक टाइल है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो अब आपका जो वैल्यू आएगा वो रुपीज़ में आ जाएगा। मान लो 50 रुपीज़ की एक टाइल है, तो 32 टाइल कितने रुपए की पड़ी, तो ये आपका वैल्यू ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ओके, थैंक यू।